டவுட்நெட் ஆப்பை இன்றே பதிவிறக்குங்கள். டவுட்நெட்டில் 6வது முதல் 12வது வகுப்பு வரை கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம். அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம். உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள், அதனை கிராப் செய்யுங்கள், உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள். டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள். इस क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31. 3 years अगो मनीष एज वॉज 4 times दैट ऑफ सविता. तो हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करना है. तो हम सपोज करते हैं लेट प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज है ऑफ मनीष, मनीष बी एक्स एंड सविता बी वाई. मतलब अभी प्रेजेंटली मनीष जो वो x years का है एंड सविता y years की. ठीक है, तो x प्लस y ये हमें 31 के इक्वल गिवन है. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब हम देखें 3 years ago अगर देखते हैं तो मनीष की जो एज है वो आज से 3 साल पहले x माइनस 3 होगा एंड सविता की जो एज है वो आज से 3 साल पहले y माइनस 3 हो जाएगा. तो हमें क्या गिवन है कि x माइनस 3 जो है वो 4 times है y माइनस 3 के. तो x माइनस 3 हो जाएगा 4y माइनस ऑफ 12 के. तो x हो जाएगा 4y माइनस ऑफ 12 प्लस 3. तो x हो गया 4y माइनस ऑफ 9 के. अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन जो हमारी फाइनल इक्वेशन है उसमें सब्सटीट्यूट करते हैं. तो 4y माइनस ऑफ 9 प्लस y ये 31 के इक्वल है. तो 5y हम 31 प्लस 9 दैट इज 40 बोल सकते हैं. तो y हो जाएगा 40/5 दैट इज 8 के इक्वल. और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर तो x इक्वल टू 4 × 8 माइनस 9. तो ये 32 माइनस 9 दैट इज 23 हो गया. दैट मीन्स प्रेजेंटली मनीष जो है वो 23 ईयर्स का है एंड सविता जो है वो प्रेजेंट में 8 ईयर्स की है. और यही हमें फाइंड करना था. So this is our required answer.